अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई की रेसिपी, जो कि मैं बनाऊंगी शान कढ़ाई मसाला से। तो ये किस तरीके से बनेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर शामिल कर दें 1.5 कप के करीब ऑयल, यानी कि 1.5 कप ऑयल। आफ्टर एडिंग ऑयल अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज, जो कि मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद, उनको मैंने कट कर लिया। अब हम इन्हें ब्राउन होने तक कुक करेंगे। तकरीबन इस कढ़ाई से 6 से 7 लोग आराम से खा सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। अगर आपके घर के अफराद 3 से 4 हैं तब आपने 3 से 4 प्याज डालने हैं इसके अंदर, डिपेंड करता है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा मसाला शौक से खाते हैं, तब आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। जितने मैंने डाले हैं आप उतने डाल लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जब प्याज हमारा ब्राउन हो चुका तो मैंने इसमें शामिल कर दी है 1.5 किलो के करीब चिकन। यहाँ पे मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं है, अगर आप बोनलेस में बना रहे हैं तब भी कढ़ाई बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे मेरे पास हड्डी वाला चिकन था 1.5 किलो के करीब, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे पकाऊंगी इतना कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो आपने चिकन को भूनना है, लेकिन उससे पहले आपने शामिल कर देना है 1.5 टेबल स्पून नमक का, यानी कि सॉल्ट 1.5 टेबल स्पून। और अब चिकन को आपने भूनना है तकरीबन 7 से 8 मिनट, 7 to 8 मिनट्स आपने इसको कुक करना है, ताकि चिकन का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। इसको मैंने फ्रेश लिया था, कूट लिया था, उसके बाद चम्मच चला दें इसके अंदर, मिक्स कर लें इसको। और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया था अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने 2 अदद हरी मिर्चें ली, 1 टुकड़ा छोटा लिया अदरक का, उनको कूट लिया साथ ही और इसमें शामिल कर दिया। हरी मिर्च को जब आप कूट के डालते हैं तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक ये पक रही है तब तक हमने क्या करना है, एक छोटी प्याली दही लेना है और इसमें मैं शामिल कर दूंगी शान का कढ़ाई मसाला। शान के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये उन्होंने मुझे एज अ फूड PR भेजा था इंस्टाग्राम पे। आप मेरा इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है FMsBavarchiKhana, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, आपको वहाँ पे डिटेल रिव्यू मिल जाएगा इसका। तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर भर के डाल दिए हैं शान कढ़ाई मसाले के। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2.5 चम्मच डाल दीजिएगा, लेकिन उससे ज़्यादा मत डालिएगा, ठीक है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं टमाटर। तो जब चिकन का कलर चेंज हो गया अदरक लहसुन और हरी मिर्चें डालने के बाद, मैंने इसमें शामिल कर दिए टमाटर। तकरीबन 5 से 6 लिए थे, उनको कूट लिया था मैंने, कद्दूकश करके शामिल कर लिया। आप टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं इसमें। टमाटरों के बाद अब मैंने इसमें हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैंने लाल दादर मिर्चें डाली हैं, यानी कि रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच, यानी कि 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कढ़ाई हमारी मज़ेदार सी तैयार हो रही है, बहुत मज़े की बनती है, आपने भी इसी तरीके से बनाना है। टमाटर डालने के बाद तकरीबन मैंने इसको 7 से 8 मिनट के लिए भूना था, तो ये आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। 7 से 8 मिनट के बाद जब आप नोटिस करेंगे कि आपकी कढ़ाई ने ये शेप इख्तियार कर ली है, तब आप इसके अंदर शामिल कर देंगे दही और शान कढ़ाई मसाले का जो मिक्सचर आपने बनाया था वो। 2 से 2.5 चम्मच आपने शान कढ़ाई मसाले को 1 प्याली दही में डाल देना, उसको मिक्स करना अच्छे तरीके से और वो इसमें शामिल कर देना है। अब चिकन जो है वो दही के पानी में अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो दही डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया था, और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर रख देना है जी ढक्कन, और ढक्कन रखने के बाद आपने इसको पकाना है। तकरीबन आपने इसको कुक करना है 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये जनाब जी आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है और दही का पानी भी खुश्क हो चुका है, मसाला भी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो ये कढ़ाई बहुत आसान सी है बनानी, आप घर में झटपट बना सकते हैं कढ़ाई को, बहुत मज़े की बनती है और टेस्ट भी बहुत लाजवाब होता है। लास्ट में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, जो कि मैंने लिया है 1/2 टीस्पून। कुछ हरी मिर्चें मैं इसके ऊपर डालूंगी गार्निश के लिए। तो सारा कुछ जनाब जी तैयार हो चुका है, अब मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। इसको मैं मिक्स करूंगी एक दफ़ा, और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैं रख दूंगी जी ढक्कन, और इसको कवर करने के बाद आपने इसको दम की आंच पे 5 मिनट पकाना है। और उसके बाद देख सकते हैं आप लजीज हमारी जो चिकन कढ़ाई है तैयार हो चुकी है, जो कि हमने बनाई थी शान के कढ़ाई मसाले के साथ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें आप मेरी अल्लाह की शान, मेरी अल्लाह की नेमतें जो उसने दी हमारे हाथों में, और वो जायके जो उसने दिए हमारे खानों में। तो जितना भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें वो कम है, कढ़ाई तैयार है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। नीचे जो रेड बटन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ वाले घंटी के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड अल्लाह निगेबान।